उत्तर प्रदेश में नदियों और तालाबों को उनके पुराने स्वरूप में लाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही मुहिम के अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। वहीं मुरादाबाद जनपद के बिलारी और कुंदरकी क्षेत्र में मृत प्राय हो चुकी अरिल नदी 17 किलोमीटर तक पुनर्जीवित हो गई है। नदी में पानी की लहरें पहले की तरह हिलोरे मार रही हैं, जिससे क्षेत्र के किसान काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि नदी के पुनर्जीवित होने से उनको बहुत फायदा हुआ है, अब उनके खेतों को सिंचाई के लिए नदी से ही पानी मिल जाया करेगा। किसान यह भी कहते हैं कि यह सब सीएम योगी के अधिकारियों के मात्र 3 महीने की मेहनत का परिणाम है, जिसके चलते यह काम संभव हुआ है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी सुमित कुमार यादव का कहना है कि अरिल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हम 3 महीने से प्रयासरत थे। 17 किलोमीटर तक नदी के पुनर्जीवित होने और उसमें पानी आने से हमारी मेहनत रंग लाई है, जबकि पहले यह नदी सूख चुकी थी। वहीं इससे पहले ग्रामीणों ने सूखी नदी की भूमि पर फसल तक बोना शुरू कर दिया था। ये हालात बहुत पहले तो सही थी, लेकिन उसके बाद में ये मिल भी लगे तब से नदी पट गई सारी, और इसमें कचरा गंदगाई ही जगह नहीं बंद हो गई, पानी भी नहीं आ रहा। और अब योगी जी की सरकार आई है तब से कुछ सुधार हुआ है, नदी की सफाई भी हुई है और पानी भी चला है। हाँ, अच्छी बात है, ये नदी खुद गई योगी जी की सरकार में, ये सफाई हो गई तो अच्छी बात है। सफाई तो जहाँ हो जाए वहाँ अच्छा ही बोला जाता है। ये हालात बहुत पहले तो सही थी, लेकिन उसके बाद में ये मिल भी लगे तब से नदी पट गई सारी, और इसमें कचरा गंदगाई ही जगह नहीं बंद हो गई, पानी भी नहीं आ रहा। और अब योगी जी की सरकार आई है तब से कुछ सुधार हुआ है, नदी की सफाई भी हुई है और पानी भी चला है। हाँ, अच्छी बात है, ये नदी खुद गई योगी जी की सरकार में, ये सफाई हो गई तो अच्छी बात है। सफाई तो जहाँ हो जाए वहाँ अच्छा ही बोला जाता है। अब जो हालात फिलहाल में सही हैं। अच्छा। हाँ, सफाई उफाई है गई, पहले लोगों ने दवा रखी थी, अब सफाई में जो बिल्कुल सही है गई। अच्छा, पहले पानी रहता था इसमें? नहीं रहता था ना, पहले पानी नहीं रहता था, और अब पानी चल रहा है। जनपद मुरादाबाद के दो ऐसे ब्लॉक हैं जिससे नदी गुजरती थी, एक हमारा बिलारी ब्लॉक है, एक कुदरकी ब्लॉक है। ये नदी जो है एकदम विलुप्त हो चुकी थी, और इसका जो है हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे थे स्टार्टिंग में कि कहाँ से नदी जो है जाती है। तो पूरी हम लोगों ने एक तो ड्रोन सर्वे कराया इसका, उसके साथ साथ हम लोगों ने फील्ड सर्वे भी सिंचाई की टीम से और लेखपाल के माध्यम से इसका सिंचाई के संयुक्त सर्वे कराया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने इसको कागज़ पर भी जो इसका गाटे हैं और जो इसका रकबा होना चाहिए उन सब चीज़ों को मिलान करके इसको एक नक्शे के ऊपर भी उतार लिया है। साथ साथ ड्रोन सर्वे के द्वारा हमारे पास एक डिजिटल मैप भी अब नदी का तैयार हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने जून के आखिरी सप्ताह में इसका एक अच्छा कार्यक्रम करते हुए हम लोगों ने डीएम सर को और जनप्रतिनिधि के साथ हमने शुभारंभ किया था इस कार्य का। इस कार्य में हम लोगों का लगभग 41 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो हम लोगों को खोदना है और इस नदी को पुनर्जीवित करना है। उसमें अब तक हम लोगों ने 17 से 17.5 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने इसमें जो है पुनर्जीवित कर दिया है नदी को। इसमें हमारे सहयोग में काफ़ी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, चाहे वो पेपर मिल हो, चाहे शुगर मिल हो बिलारी की, और अन्य समाजसेवी लोग भी इस कार्य में आगे बढ़कर हमारा सहयोग कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि हम इसको आगामी नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में हम लोग इसको पूरा 41 किलोमीटर पूरा पुनर्जीवित कर दें। और अभी वृहद वृक्षारोपण में हम लोगों ने नदी किनारे जो है बैम्बू की प्लांटेशन भी किए हैं, और अभी हम लोग आगे भी बैम्बू प्लांटेशन करेंगे ताकि एक अच्छा पूरा एक इन्वायरमेंट वहाँ पर डेवलप कर सकें।